हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट आशीष सिंह और आप देख रहे हैं मेरा आज का न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ सरकार जो किसानों से धान खरीदने वाले हैं उससे रिलेटेड है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर यार मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए अब बिना बकर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को लेकर जाने वाला हूँ हमारे गांव ग्राम पंचायत खमरिया के सोसाइटी जहां पर धान खरीदा जाता है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से। तो दोस्तों, जो किसानों से धान खरीदने का जो डेट रखा गया है वह है 1 नवंबर, यानी कि जिस दिन छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाना है उस दिन से ही स्टार्ट होगा और यह 31 दिसंबर 2023 तक चलने वाला है। तो दोस्तों, इस बार जो खरीफ फसल में धान का जो रेट रखा गया है वह है सामान्य धान के लिए 2040 रुपये और एक ग्रेड धान के लिए 2060 रुपये। तो इस बार हमें पिछले बार के मुकाबले, पिछली बार जो इसकी कीमत थी वह 1960 रुपये या 1940 रुपये थी, तो इस बार थोड़ा 100 रुपये बढ़ा हुआ है। तो थोड़ा सुनने को अच्छा लग रहा है कि इस बार जो MSP का जो रेट रखा गया खरीफ फसलों के लिए थोड़ा अच्छा है। तो चलिए अब मैं आप लोग को सीधे हमारे गाँव के सोसाइटी लेकर चलता हूँ, वहाँ पर क्या क्या तैयारी चल रही है वो भी आप लोग को दिखाऊँगा। दोस्तों, हमारे गांव के जो सोसाइटी में जितने भी अड़ोस पड़ोस के गांव के जो किसान हैं यहां धान बेचते हैं वो अपना टोकन कटा लें ताकि वो अपना धान जिस जिस डेट को बुलाया जाएगा उस दिन अपना धान तैयार रखें बेचने के लिए। और तो दोस्तों, अभी आप वीडियो में देख रहे हैं जो ये कंक्रीट का प्लास्टर, जो छज्जा या फिर आप कह सकते हैं स्टेज बनाया गया है, इसी पर जो धान खरीदा जाता है उसको रखते हैं। और जो ट्रक यहाँ पर आती है लेने, तो जो ट्रक के जो हाइट के जो उसके ट्राली के हाइट पे ही लेयर बनाया गया है ताकि उनको यहाँ से जो धान भरा जाता है उसको ट्रक में डालने में काफ़ी सहायता मिले। और इसका जो और यहाँ पर जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल किया गया है या उसके बाहर भी जब ज़्यादा हो जाता है तो इसके बाहर से भी यहाँ पर खरीदी किया जाता है और धानों को रखा जाता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं उधर सुलभ शौचालय का भी सुविधा है यहाँ पर। और यहाँ पर नया नया कार्यालय भी बना हुआ है और उसके साइड में भी कुछ भवन बन रहा है तो शायद वो किसी काम आए यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर किस लिए आए थे? खाता खोलने के लिए। तो पंजीयन हो गया? पंजीयन नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो क्या क्या लगेगा बोले हैं? फ़ोटो लगेगा, बस फोटो बच गया था, बाकी पूरा फॉर्मेट लेके आए थे। तो कौन से गांव से हैं आप लोग? हनुमानगढ़। तो इसी यहीं पर सोसाइटी में आप लोग धान बेचते हैं? जी। ये तो सरकार तो ऐसे 1 नवंबर से धान खरीद रही है किसानों से। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी काफ़ी तैयारी हो चुकी है और कुछ तैयारियाँ बाकी हैं क्योंकि यहाँ पर नया नया कार्यालय बना हुआ है और कुछ लोग और कुछ किसान हैं जिनका पंजीयन नहीं हुआ है वो पंजीयन कराने आ रहे हैं। तो कार्यालय के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है तो मैं वहां का वीडियो नहीं बनाया हूं। तो दोस्तों, यहीं इसी जगह पर ही धान पर बहुत से किसान जो नए किसान हैं अपना खाता नहीं खुलवाए हैं वो यहां पर अपना पंजीयन कराने आ रहे हैं ताकि यहाँ पर सरकार को अपना धान बेच सके। तो दोस्तों, इसी सोसाइटी पर आस पास के जितने भी गाँव के किसान हैं यहीं पर अपना जो धान है यहाँ पर बिक्री करने वाले सरकार को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए ऊर्जा, नए आत्मविश्वास, एक नए अनुभव, एक नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।